चले बच्चों लेट्स स्टार्ट। यार तनुष ये बंद कर देना बेटा। चलिए, सो टुडे वी हैव असेंबल्ड फॉर PTS नंबर 7। चलिए विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला सेंटेंस ऑफ द डे, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे, प्लीज सी हियर सब लोग। कंपनी बायबैक करके अपने शेयर मार्केट से खरीदती है, पर अपनी शेयर होल्डर नहीं बनाती। मतलब कंपनी बायबैक करके अपने शेयर मार्केट से खरीदती है पर अपनी शेयर होल्डर नहीं बनती। बायबैक में ही होता है ना, कंपनी शेयर खरीदती पर खुद की शेयर होल्डर बनती नहीं है, क्योंकि उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करके कंपनी अपनी कैपिटल क्या करती है, रिड्यूस कर देती। नाउ लेट्स मेक दिस सेंटेंस। चलिए सेंटेंस बनाएं। कंपनी बायबैक करके, अब कैसे बनाएंगे, पहले यहां तक बनाएंगे। कंपनी बायबैक करके अपने शेयर मार्केट से खरीदती है, इसका क्या होगा? बायबैक करके कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीदती है। चलिए बच्चों प्लीज, हाँ जी। तो कंपनी बायबैक करके अपने शेयर मार्केट से खरीदती, ये पहला, पर अपनी शेयर होल्डर नहीं बनती, क्योंकि उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करके कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर देती है। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखो व्हेन कब आता है, जब, यहां पे जब तो है ही नहीं, कंपनी, देखो पैसा, एक मिनट पहले आप लोग ट्राई करो, एक मिनट, एक काम करो, टेक 15 मिनट्स का टाइम, और आप अपने हिसाब से, टोटल अपने पास 10 हैं, ये 10 को, आपके मोबाइल में भी 10, ये 10 पहले आप अपने हिसाब से लिखिए। गिव सम 10 मिनट्स का टाइम और आप ये 10 के 10 खुद से लिखिए। चलिए इधर देखिए, मैं इधर ये 7 है आंसर ना। कंपनी बायबैक करके अपने शेयर्स को मार्केट से है। अ कंपनी परचेजेस, अ कंपनी परचेज भी नहीं होगा, क्या होगा कंपनी इट्स ओन शेयर्स। जो लोग यहां पे हिज लिखते हैं, कंपनी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है तो इंसान, हिज इंसान के लिए होता है ठीक है। इट्स ओन शेयर्स, इन ओन क्यों लिखा है मैंने, खुद के ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। पर मतलब बट, अपनी शेयर होल्डर नहीं बनती। बट अब कई लोग लिखते हैं डोंट, नहीं डज, सिंगुलर है तो क्या होगा डज होगा, बट डज नॉट बिकम इट्स होल्डर। क्यों? क्योंकि अब यहां पे लिख सकते हो बिकॉज, या फिर लिख सकते हो एज, या लिख सकते हो दोनों लिख सकते हो, बिकॉज भी लिख सकते हो और एज। एज उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करके कंपनी कैपिटल क्या करती है, रिड्यूस करती है। एज द कंपनी उन destroys such shares and capital। सच की जगह कंपनी एस द कंपनी दोज शेयर, दोज का मतलब होता है वो, दे का मतलब होता है वे, दोज का मतलब होता है वो। दोज उतना अच्छा नहीं बैठेगा, दो यू कैन राइट, भले आप क्या कर सकते लिख सकते हैं, बट दोज से अच्छा क्या है सच। लीगल वर्ड कौन सा है सच। दूसरा, अगर किसी वर्ड को आप डिक्शनरी मीनिंग से नहीं समझ पा रहे हैं, पहले यहां तक बनाएंगे, शब्दों को तोड़ने का आदत डालो। अगर किसी वर्ड को आप किसे नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप किसी वर्ड को डिक्शनरी मीनिंग से समझ नहीं पा रहे, यहां तक क्या होगा, इधर देखो पहले एक मिनट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ ए वर्ड, किसके थ्रू, बाय, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टू ज्यादा अच्छा हो। डिक्शनरी कॉमा, तो आप अपना क्या यूज करें, तो क्या यूज करें आप अपना देन यू मस्ट लिख सकते हो, शुड लिख सकते हो, कॉमन सेंस और एंड। चेक, क्या चेक करो, नहीं टेंशन ऑफ क्लियर है ये सब, इज एवरीवन क्लियर। हाँ देखो यूज करें बोल रहे हैं, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं यूज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूज कर सकते हो। अगर मैं क्या बोलता तो आप क्या लिखते हैं बट मैंने क्या बोला, मस्ट शुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपनी ने अगर सही समय पर बायबैक किया होता तो आज उसके शेयर की वैल्यू ज्यादा होती। ये बहुत कंफ्यूज, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे, इफ कंपनी वुड हैव डन दिस ऑन राइट टाइम, उस समय नहीं, उस समय एट दैट टाइम इट्स द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, वेरी नाइस शेयर, ग्रेट, ठीक है, वही ग्रेट, ठीक है। लड़की है, इज एंटाइटल्ड टू गेट अ प्रायोरिटी, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझो, लड़कियों को हमेशा ज्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है। और मैं भी, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, बोल सकता है तू जाके कि हमारे साथ लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी देते, क्यों नहीं दे, दो मेरी भी हैं इधर, बट ठीक है तूने भी लिखा, अच्छी बात है, बाकी अरे बेटा ठीक है, नहीं ग्रेट, अगर आपने ऐसा लिखा है इधर ये, कंपनी ने अगर सही समय पर बायबैक किया होता। अब देखो आप कैसा लिखते हो, तो दो, उसने क्या लिखा, कैसा लिखा बेटा आपने, इफ द कंपनी वुड हैव डन बायबैक, उस समय पे सही समय, सॉरी, if company would have done buyback at right time, है ना, सही समय, at the right time, तो क्या होता, then value of its shares would have been high। आप लोग को याद होगा मैंने पूरा एक सेशन लिया था जहां पे मैंने 10 से 12 इसी चीज पर बात की थी। और इसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, इसका एक ऑल्टरनेट भी मैंने बताया था, नहीं कभी नहीं आएगा, एक और बताया था मैंने, याद हो आपको, हैड से, हैड द कंपनी डन बायबैक एट राइट टाइम वैल्यू ऑफ इट शेयर वुड हैव बीन हाई। हैड ऐसा भी यूज कर सकते हो, कहां से शुरू कर सकते हो आप, हेड से भी यूज करते हो, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, तो आपको हेड वाला सोचने की जरूरत नहीं है। हैड माय फादर कम ऑन सैटरडे आई वुड बी एंजॉयिंग अ पार्टी टुडे, या आई वुड हैव बीन एंजॉयिंग अ पार्टी टुडे, अगर मेरे पिताजी शनिवार को आ जाते तो मैं आज पार्टी एंजॉय कर रहा होता। ये सेंटेंसेस सबसे डिफिकल्ट होते बनाने में, ये बहुत अच्छा हो गया। कम टू फोर्थ नंबर 4, चौथे नंबर पे आ जाइए, कंपनी को अगर बायबैक करना है तो उसे अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ेगी। कंपनी को अगर आया, अगर मतलब इफ से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है अपन लोगों ने, अक्ष आपने क्या लिखा है, अक्ष क्या लिखा है आपने, अरे नहीं आपने कंपनी वांट्स टू बाय बैक एंड, मतलब इफ है ना, इफ अगर वो तो आई नहीं तो क्या होता है अक्षय इसका, इफ द कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स शेयर्स, इफ द कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स शेयर, क्या करना पड़ेगा, तो उसे, देन उसे मतलब इट, अपनी कैपिटल, इट विल हैव टू इट्स, तो कंपनी को अपनी कैपिटल, इज दैट क्लियर। कम टू पॉइंट नंबर 5, किसी भी कीमत पर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे जिससे लॉ का ऑब्जेक्ट और पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाए, एट एनी कॉस्ट, एक मिनट, यू शुड नहीं आएगा, यू कैन नॉट आएगा, एक मिनट, किसी भी कीमत पर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट डू एन इंटरप्रिटेशन, या एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट डू सच इंटरप्रिटेशन विच विल डिस्ट्रॉय व्हाट बेटा द ऑब्जेक्ट। क्या लिखा श्रीकांत अपन ने यहाँ पे? लाइक दिस, ये क्या कर दिया? लाइक दिस, लाइक दिस थोड़ी ना आएगा पागल, बाकी सब स्टार्ट अच्छा किया था। अनुराज आपने क्या लिखा है? नहीं लिखा, कोई नहीं। श्रेया अरे यहाँ तक पहुंचे, चलो ठीक है। हाँ लाइक वाइक नहीं, इधर देखो सिंपल, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। पहले तो अपन इसको लिख लेंगे, एट एनी कॉस्ट टू वोंट या यू विल नॉट मेक सच एन इंटरप्रिटेशन। एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट मेक सच एन इंटरप्रिटेशन, तो क्या करेगा? जिससे, जिससे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विच विल, क्या करेगा? लॉ का विच विल डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ। क्या वर्ड बेटा? ऑब्जेक्ट, पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है। हाँ अगला, कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है फ्यूचर में पहले से तय किए प्राइस पर, तो कंपनी ईसॉस के अंदर शेयर दे सकती है। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन। चले पढ़ो उसको अच्छे से, क्या लिखा है? कंपनी जब, जब आया मतलब व्हेन आएगा, अपने एम्प्लॉय को ईसॉस के, सॉरी, कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है फ्यूचर में पहले से तय किए प्राइस पर, ये यहां तक बनाओ पहले, तो व्हेन कंपनी गिफ्ट्स के बदले अपन इश्यूज लिख लेंगे। अलॉट तो एक स्टेप आगे हो जाएगा ना, वेस्टिंग पीरियड खत्म। देती है मतलब इश्यूज, क्या यूज करोगे? तो व्हेन कंपनी चूज, किसके शेयर देती है? अपने शेयर दे रही है, इट्स शेयर्स मतलब खुद के शेयर किसको दे रही है? तो किसके एम्प्लॉइज को? इट्स एम्प्लॉइज। तब आज या फ्यूचर में? फ्यूचर में। आज या फ्यूचर में? इन फ्यूचर। एट विच प्राइस? पहले से तय किए प्राइस। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री कॉमा, तो कंपनी इस उसके अंदर शेयर दे सकती है। देन द कंपनी, देन द कंपनी एंड देन आएगा तो कंपनी कैन आएगा, अंडर व्हाट बेटा? तो कंपनी अपने शेयर इश्यू कर सकती है। दे सकती है इसलिए तो कहना आएगा। एक मिनट, सकती है, सकती है इसलिए क्या आया? कहना आया। ठीक है। हाँ बेटा प्लीज। एंड हमने कहाँ पे बट के बाद? बट के बाद कोई कॉमा नहीं लगाते। कहाँ लिखा है भाई? हमेशा लगा कॉमा जब भी। अरे भाड़ में क्या? आई डोंट नो आपने क्या पढ़ा है, बट जब भी आप सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग चेंज करना चाहते हैं, ऑलवेज यूज कॉमा। लॉ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? लॉ में वी ऑलवेज यूज कॉमा, आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर का, देखिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हम सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ही शेयर्स देते हैं, कॉमा लगा दो, कन्वर्ट करो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हम सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ही क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं। व्हाट डज दैट मीन? हेलो हेलो हेलो, बस क्या हो? जल्दी देखो, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो। चलिए बच्चों, हाँ जी क्या करना है? मैं हम सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर देते हैं। Only to select group of persons. Yes, लिखिए in preferential allotment we issue shares. लो डालो वाले only to select group of पर्संस, ठीक है। क्लियर? सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। देन व्हेन ये इट्स हिज ये सब फालतू में, जितना सिंपल हो सके, इंग्लिश का नियम है, ये चीजों को क्या रखो? सिंपल रखो। चलो, पर जब भी हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर शेयर्स देते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे नियम हमें फॉलो करना है। पर वेरी नाइस, बट जब भी मतलब व्हेनेवर, जब भी को मैंने क्या लिख दिया? Whenever we issue, very nice, shares under preferential allotment, क्या करना है हमें? We have to follow सारे नियम्स, we have to follow, we follow नहीं लिखना, क्या लिखना? We has to भी नहीं आएगा, ही शी इट और नाम, इन 4 जगहों पे क्या आएगा? हैज आएगा, बाकी सारी जगहों पे क्या आएगा? हैव। क्या लगाओ ना, क्या लगाना है? अरे नहीं, मतलब आप YouTube पे लगाना है। नहीं, कुछ नहीं लगाना। वी हैव टू फॉलो, क्या फॉलो करना है? ऑल द रूल्स ऑफ, वी हैव टू फॉलो व्हाट बेटा? We have to follow all the rules of private placement, ठीक है? well done। चलिए, come to point number 8। Thank you। Come to point number 8। अगर किसी लॉ का मतलब आपको उस लॉ में नहीं मिल रहा है, कन्वर्ट करो यहां तक। अगर किसी लॉ का मतलब, सॉरी, अगर किसी वर्ड का मतलब, सॉरी, अगर किसी वर्ड का मतलब आपको उस लॉ में नहीं मिल रहा है, अगर किसी वर्ड का मतलब आपको उस लॉ में नहीं मिल रहा है, बताइए in law। in that law. Yes, agar if you are not able to find meaning of any word in that law मतलब उस law में अगर किसी word का मतलब आपको उस law में नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है बच्चों? तो आप उसका मतलब कहां देखिए, तो मतलब देन यू क्या करोगे, यू तो आप उस लॉ का मतलब, तो उस वर्ड का मतलब कहां देखिए, देन यू में देख सकते हैं लिखा है, देन यू कैन, यस यू कैन सी या यू कैन चेक, यू कैन सी the meaning of that word. कहाँ पे? in पारीमतीय लॉ. ठीक है, तो आप उस वर्ड का मीनिंग कहाँ देख सकते हैं बच्चों? तो आप उस शब्द का मतलब पारीमतीय लॉ में चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बच्चों पारीमतीय लॉ. पारीमतीय लॉ वो लॉ है जिसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है? सेम है. व्हाट इज पारीमतीय लॉ? पारीमतीय वो लॉ है, हाँ पारीमतीय कौन सा लॉ है? पारीमतीय वो लॉ है जिसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है? सेम है. कहने का मतलब सो पारीमतीय वो लॉ है, मतलब वेरी नाइस, पारीमतीय इज दैट लॉ. पारीमतीय is that law. Which law? जिसका मतलब whose नहीं, whose का मतलब तो कौन हो जाएगा. Is that law. पारीमतीय is that law. पारीमतीय is that law वो law है जिसका ऑब्जेक्ट. Who's नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? कि who's इंसान के, इंडिविजुअल के लिए होता है. Who, who's, whom किसके लिए होता है? Is that law. हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है? सेम. तो क्या is not that law. वेरी नाइस, वेरी नाइस अनुष्का. Which has same object and purpose. पारीमतीय वो लॉ है जिसका क्या है बच्चों? पारीमतीय वो लॉ है जिसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है बेटा? सेम है. इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सबको? ऐसे ही लिखना है बेटा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से, स्पेशली वो लोग जिनको ये सब पहली बार देख रहे हैं, प्रैक्टिस से आएगा. ठीक है, अगर आज नहीं बना तो प्लीज उदास नहीं होना है. ठीक है, वी हैव मोर टाइम. अक्टूबर तक अपन करने वाले. आज 7वें नंबर का पीटीएस है. सो बट मेरा यकीन मानना है, इन एवरी पीटीएस यू विल लर्न समथिंग. कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, सीखोगे. ठीक है, नाउ 9th पॉइंट पे आ जाइए. इंटरप्रिटेशन करते वक्त यह ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है? कॉमा. तो पहले यहीं तक करो. इंटरप्रिटेशन करते वक्त यह ध्यान में रखना है. वाइल क्यों यूज कर रहे हो? एट द टाइम ऑफ, या वाइल भी लिख लो, बट उतना मजा नहीं आएगा. क्या करो? एट द टाइम ऑफ Making what? इंटरप्रिटेशन। यह ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखना है। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, कोई ऐसा नहीं लगेगा इट शुड बी कीप इन माइंड, इट शुड कीप इन माइंड, ये सब बर्बाद हो जाएगी इंग्लिश। इट शुड बी आ गया तो थर्ड फॉर्म, कैप्ट इन माइंड। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, क्या ध्यान में रखना है? क्या अगर किसी शब्द की मीनिंग पारी मटेरियल लॉ में दी है तो उसका महत्व ज्यादा होगा डिक्शनरी मीनिंग से। इट हैज टू बी, इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, या इट हैज टू बी कैप्ट इन माइंड भी लिख सकते हो ना। क्या क्या इफ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, इज गिवन इन पारी मटेरियल लॉ, अगर किसी शब्द की मीनिंग कहां पे दी हुई है? अगर किसी शब्द की मीनिंग पारी मटेरियल लॉ में दी हुई है तो क्या करना है बच्चों आपको? तो उसका महत्व ज्यादा होगा किसे? देन इट विल बी, उसका महत्व ज्यादा होगा। नहीं, क्या लिखोगे इसका मतलब? इट विल बी हैविंग अ प्रायोरिटी, इट विल बी हैविंग अ, इट विल बी हैविंग अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ओवर व्हाट? ओवर, ओवर प्रायोरिटी ओवर व्हाट? उससे ज्यादा महत्व होगा। ओवर डिक्शनरी मीनिंग। Will be having a priority over what beta? Dictionary meaning. 10th. Come to point number 10. क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से ऑर्डर देकर कंपनी को लोन या डिबेंचर कन्वर्ट करने के लिए बोल सकती है इक्विटी शेयर में। यहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से, अपनी मतलब इट्स विल, चॉइस नहीं, कौन सा वर्ड यूज करना है? विल। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इट्स विल, बाय इट्स ओन विल, इट्स के बाद क्या लगाना? ओन विल। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इट्स ओन विल, इसका मतलब क्या हो गया यहां तक? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से ऑर्डर बाय इट्स ओन विल, ऑर्डर देकर कंपनी को लोन या डिबेंचर कन्वर्ट करने के लिए बोल सकती है इक्विटी शेयर में बाय इट्स ओन विल, कॉमा कैन ऑर्डर द कंपनी टू कन्वर्ट लोन और डिबेंचर्स इनटू equity shares of the company. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से कंपनी को ऑर्डर देके क्या बोल सकती है? देखो यहां तक निकल रहा है क्या मतलब? रीड दिस, एक पहले हिंदी वाला रीड करो उसको, देखो मैंने इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया रीड करो। पक्का सेटल्ड है, क्लियर है यहां तक। तो सेंट्रल लिमिट अपनी इच्छा से क्या बोल सकती है, अपनी इच्छा से कंपनी को बोल सकती है कि आप लोन को डिबेंचर कन्वर्ट करो इसमें, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो नियम और शर्तें भी बता सकती है जिन शर्तों पे कन्वर्जन होगा। एंड और भी है ना, और मतलब एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो, तुम टेल मत लिखना, स्पेसिफाई, प्रिस्क्राइब, प्रोवाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब बता सकती, क्या बता सकती है, द टर्म्स एंड, द टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन, जिन शर्तों पे कन्वर्जन होगा, अंडर विच या ऑन विच कन्वर्जन विल, वेरी नाइस, विल टेक प्लेस या विल हैपन भी लिख सकते हो, बट टेक प्लेस बेटर है, टेक प्लेस क्या है, बेटर है।